मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू की अवधि को आगामी 25 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक लेने पहुंचे प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि संकट की घड़ी में दवाई और मेडिकल उपकरण की कालाबाजारी करने वाले लोगों को किसी भी पार्टी के नहीं होते, वो अपराधी और उनके साथ कानून एक जैसा व्यवहार करेगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को रतलाम पहुंचे। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक ली। इसमें कोरोना के आंकड़ों की समीक्षा की गई। बता दें कि पॉजिटिव मरीजों की संख्या और पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा होने से जिले में लॉकडाउन को 17 मई की सुबह 6 बजे से बढ़ाकर 25 मई तक करने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान दूध, सब्जी, दवाई आदि सुविधाएं पूर्वानुसार ही मिलती रहेंगी। दूसरे वो लोग हैं जिनके ऊपर कभी न कभी कोरोना का असर हुआ था और उनके अंदर एंटीबॉडी बनी। तीसरे वो लोग हैं जो कांच के खिलौने, ना पहले बीमार हुए ना आज हुए, तो अब की बार हम ऐसा अभियान चलाने वाले हैं कि उनको सबसे पहले टीका लगवाएं, क्योंकि ये मान के चले कि वो बीमार पहले नहीं और आज नहीं हुए तो वो नहीं होंगे, ऐसी गलत फहमी नहीं है। निश्चित रूप से इससे सबको अपने आप को सुरक्षित करना चाहिए। तो जो अपने जनप्रतिनिधि है, जिला स्तर के है, ब्लॉक स्तर के है, इन सबको जोड़ते हुए जो हमने कमेटियाँ भी बनाने जा रहे हैं जिनके माध्यम से इसका लाभ दिलवाएंगे। कुछ निर्णय किया, जैसे या लॉकडाउन का निर्णय किया है कि आगामी 25 तारीख तक रतलाम का लॉकडाउन हमने बढ़ाया है, लेकिन हाथ ठेले से फल सब्जी वगैरह बेचने में, दूध की दुकान खोलने में, इस टाइप से व्यवस्था भी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं कि इसमें कोई कष्ट नहीं है। लेकिन ये बात सही कि ये मरीज संक्रमित होने से ही बढ़ते हैं। ये बीमारी का दुनिया भर में सीधे कॉन्टेक्ट से ही इसको जहाँ भी मिलती बढ़ावा मिलता है। ऐसे में चूँकि रतलाम ये सबसे ज़्यादा एक तरह से ज्वलनशील स्थिति में है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि हम इसमें से इसी तरह से रास्ता निकालते जाएंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि जो जिले 5% से कम में आएंगे पॉजिटिविटी की दर के हिसाब से, वो क्रमशः उसको भी वैज्ञानिक तरीके से खोलने की परमिशन देंगे। अभी हमारे लिए अभी इससे हम बहुत आगे हैं, इसलिए हमको लॉकडाउन तो हमको रखना पड़ेगा। अब ये बाकी कोई विवाद का विषय भी नहीं है, ज़्यादा इसमें कुछ बोलने का विषय भी नहीं है, चूँकि मेरा भी पहला ही दिन है। मंत्री जी, हाँ, नहीं ऐसा नहीं, गलत जानकारी है मेरे को अभी इस मामले में। ज़्यादा मैंने कहा कि मेरा पहला दिन है और उम्मीद करता हूँ आप भी मदद करेंगे। हमारे लिए आपके माध्यम से भी सबको हिम्मत दिलाने का जो आज वातावरण है समाज में, हमारे सबके लिए सकारात्मक सोचने का समय भी है। वो जो बातें हैं कि हमारे यहाँ खाद्यान्न के लिए दृष्टि से आपके लिए सबके लिए कि जो अभी लॉकडाउन के कारण से प्रभावित हुए गरीब लोग जिनके घर में अभी खाने की या कष्ट है, तो उनको माननीय मुख्यमंत्री ने पात्रता पर्ची भी न हो, राशन कार्ड भी नहीं हो, तो अपना स्वयं का घोषणा पत्र दे देंगे, उस आधार पर उसको 3 माह का राशन मध्य प्रदेश सरकार का और 2 माह का राशन माननीय प्रधानमंत्री का, ये सारा किट उसमें किराना दुकान से उसकी कंट्रोल की दुकान से दिलने वाले हैं। उसकी 34 प्रकार की श्रेणियाँ, तो वो कामकाजी महिला होंगी, रेहड़ी वाला होगा, दिहाड़ी मजदूर होगा, ऑटो रिक्शा चालक होगा, हाथ ठेले वाला होगा, या सामाजिक पेंशन होने वाला। वहीं रतलाम में भाजपा नेता द्वारा मेडिकल उपकरण की कालाबाजारी करते पकड़े जाने पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अपराधी कांग्रेस बीजेपी का नहीं होता, अपराधी अपराधी ही है। कांग्रेस के लोग भी पकड़े गए हैं, सभी अपराधी समान हैं, उनके साथ कानून एक जैसा व्यवहार करेगा। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि कोई भी जो कालाबाजारी कर रहा है, कोई भी जो दवाइयों का दुश्मन है, वो गुजरात में कहीं भी हो, देश में, उसको पकड़ के लाओ, कार्रवाई करो। रतलाम में एक महेश्वरी जी पकड़े गए, राइस महेश्वरी, वो भारतीय जनता पार्टी की आज पदाधिकारी, वो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है और सरकार की जिला सरकार की कमेटी में है। टिप्पणी करी है बीएसपी के लोग पकड़े गए हैं, पार्टी सपोर्ट कर रही, क्या कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी पकड़े, अभी कांग्रेस बीजेपी भी है, अपराधी अपराधी है, मेरा ऐसा कहना है, वो भी अपराधी होगा, अपराधी के साथ एक जैसा कानून व्यवहार करेगा। आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, पर्टिकुलर में इस टाइप सी बातों करने से आज के समय में वो अपना ध्यान भंग होता है। उषा ठाकुर जी का जो बयान, मैंने फिर कहा दोबारा हवन से जाएगा, तो मेरा ऐसा कहना, अब ये सब बातों के लिए मैं रतलाम में जवाब नहीं दूंगा ना भाई, मैं रतलाम की बात करूंगा। तो मंत्री जी, सर, आंकड़े रोकने के लिए रतलाम में क्या निर्देश दिए आपने? रतलाम में लगातार मौतें बढ़ रही है, उसको रोकने के लिए क्या निर्देश दिए? मैंने अभी आपको पूरी कहानी सुनाई, दोबारा दोहराऊं क्या? हमारे पास ऑक्सीजन बेड बढ़ाएंगे,
इलाज का व्यवस्था नीचे तक करेंगे, तहसील का इलाज तहसील में होगा, जितना नीचे तक हम पहुंचाएंगे तब ये अपनी बात बनती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। गौरतलब है कि संकट की घड़ी में मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीफ्लोमीटर की कालाबाजारी करते भाजपा और कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है, जो आपदा को अवसर मानकर मोटी कमाई करने में जुटे थे। रतलाम से आमीन हुसैन की रिपोर्ट।